देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने जताया आक्रोश। भगवान शिव का जलाभिषेक कर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन दुर्ग के बैनर तले अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग के शीतला मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ की सरकार को सद्बुद्धि मिले की मनोकामना लिए सभी छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के सदस्य व पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताया और साथ ही नारेबाजी कर देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग की। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर बैठे टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 34% महंगाई भत्ता के स्थान पर अभी भी राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों को केवल 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही पेंशनरों को केवल 17% महंगाई भत्ता, जबकि केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी, अधिकारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। साथ ही गृह भाड़ा भत्ता को अब तक सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित नहीं किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों व पेंशनरों को सीमा 4 से 14,000 तक का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आंदोलन अनिश्चितकालीन आज से प्रारंभ हुआ है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों की तरफ से यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ और हमारा प्रयास पूर्ण रहेगा और हम लोग को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और हम लोग को सफलता अवश्य ही मिलेगी। महादेव के कदम पे आए, क्योंकि उनके झोली में आज सुकून तो हम सबसे जरूर होंगे और उनके अभिषेक पूजा पाठ करके ये दिन की शुरुआत चालू हो रही है। इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने वाले हैं और हमारी 2 सूत्री मांग, जैसे सर ने बताया, 2 सूत्री मांग को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। शक्ति सबका विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। भूपेश, सरकार के साथ में सभी कर्मचारी लोग बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं 4 सालों से। ये मांग नहीं है हमारी डीए मिलना, ये तो डीए एक हक है कर्मचारियों का, इसको लेके काफ़ी रोष व्यक्त है। हमारे निचले स्तर के तमाम साथी चाहते हैं कि लंबित जो डीए है, 12% डीए है, वो यथाशीघ्र भूपेश सरकार द्वारा दिया जाए। इसको लेकर प्रदेश के हर विकास खंड में तमाम स्कूलों को हमने बंद किया है, अनिश्चितकालीन का आंदोलन का आगाज किया है। आज प्रथम दिवस है जिसमें हम भगवान का आशीर्वाद लेकर हमारा हड़ताल सफल हो उस दिशा पे कार्य किया है। कल हर ब्लॉक मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके माध्यम से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रारंभ करेंगे। शिक्षक संवर्ग के साथियों द्वारा आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में जलाभिषेक करके जो 2 सूत्री मांग है, लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से दे और सातवें वेतनमान के आधार पर हाउस रेंट के जो अनाउंसमेंट है उसको भी प्रदान करें, इस मांग को लेकर के आज जो है हमारे जो साले शिक्षक संघ, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन और नवीन शिक्षक संघ के और साथ ही साथ व्यायाम शिक्षक संघ, ये सभी शिक्षक संगठनों के द्वारा आज जलाभिषेक करके शासन को ध्यानाकर्षित करने का कार्यक्रम आज निहित किया गया। इसी तारतम्य आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में उपस्थित होकर जलाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर संपादित किए हैं और निश्चित रूप ग्रैंड एसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।